Good morning, everyone. Once again, welcome back to exam fighters. एज यू ऑल नो दैट कि अभी आपके झारखंड टेट यानी जे एस टेट जो है आपका उसके सिलेबस को कवर अप किया जा रहा है मैथ्स का सिलेबस क्लास सिक्स टू क्लास एट तो उसमें हम लिमिट के सेवन चैप्टर्स कर चुके हैं आज जो चैप्टर होगा वो लिमिट का आखिरी क्लास होगा सब लोग बने रहे हैं और लिमिट के क्लास को आज कंप्लीट करते हैं हम लोग चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा ये लिमिट का आपका आठवां क्लास है क्वेश्चन क्या है लिमिट x tends to 0 Sine of pi cos square x upon x square equals to option hai माइनस पाई 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 बाई टू या डी है वन चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सारे लोग डू फास्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट में आपका क्या क्या यूज होगा क्योंकि लिमिट टेंस टू जीरो साइन पाई कॉस इनवर्स एक्स मतलब ये कही कहीं ना कहीं एज अ थीटा आपका दे रखा है ये वाला चीज और बोल रहा है कि अपॉन एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू चलिए बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा सारे लोग जल्दी से अगर बनेगा तो रिप्लाई करें यस नहीं बनेगा तो लिखें एक्सप्लेन तो मैं तुरंत एक्सप्लेन करूंगा और अगर बनता है तो ए बी सी डी में क्या आंसर होगा वो बताइए फास्ट एवरीबडी लिमिट एक्स एक्सटेंस टू जीरो साइन पाई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा चलिए देखिए कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा यहां पर दो तीन प्रॉपर्टी यूज होगी उन सारे प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए चलेंगे सबसे पहले यहां पे साइन पाई कॉस इनवर्स एक्स है तो एक थ्योरी आपको पता होगा बार बार मैं लिमिट में यूज करने आपको कहता हूं कि साइन पाई माइनस थीटा इज टू क्या होता है साइन थीटा ही रहता है इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है भले बताओ ये चीज समझ में आई कि साइन पाई माइनस थीटा पाई थीटा ही रहता है कहीं कोई डाउट किसी को तो हम लोग वही काम सबसे पहले यहां पर करेंगे ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन और पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में अच्छा अब यहां पर देखो एक चीज हम करने जा रहे हैं कि ये पाई माइनस पाई कॉस इनवर्स एक्स है ये ऊपर है तो हम नीचे भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई कॉस इनवर्स एक्स या एक स्टेप अलग से करते हैं अभी नहीं अभी फिर गड़बड़ हो जाएगा सम, सम, एक ही स्टेप में सब नहीं है। ये क्या कर दिया स्क्वायर ये लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे बताइए हमने साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा लिख दिया ये काम कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें अब क्या करेंगे आगे ध्यान दीजिए कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट क्या कहता है बार बार मैं क्लासेस में बताते आ रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब इसको यूज करेंगे sin x x को, क्या होता है कैसे होता है तो यहां पे देखो कैसे लाएंगे साइन एक्स के जगह पे ये क्या है पूरा थीटा है तो हम लोग वही काम करेंगे देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक कलर में करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो जाएगा साइन और यहां पे ध्यान देना यहाँ है क्या थीटा की जगह पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स तो अपॉन में भी क्या कर लेंगे हम लोग खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसको पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर लिया और साथ साथ यहां पर पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे में पहले से क्या था एक्स स्क्वायर ये काम कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि देखो अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस से जो क्वेश्चन था हमारा वो बच जाएगा तो हमने क्या किया पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया यहां तक तो क्लियर होगा इसके बाद क्या करेंगे वो चीज पे ध्यान दीजिएगा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब देखो ये वाले पूरे चीज का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन तो ये आ गया आपका वन ये आपका वैल्यू क्या आ गया ये आ गया वन इन टू क्या हो जाएगा तो ये अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं देखो इसमें से हमने क्या किया पाई को कॉमन ले लिया तो आ क्या गया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इस पूरे चीज का वैल्यू वन हो गया हर एक स्टेप में ध्यान देना जहां नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखते चलना कि हाँ सर ये स्टेप कैसे हुआ वो कैसे आया स्टेप वन स्टेप टू सब बताते चलिएगा अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहां पर इस वाले में लिमिट एक्स टेंस टू तो जीरो ये आपका पाई तो बाहर रह जाएगा और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर थीटाइनस में क्या है एक्स स्क्वायर ठीक है फिर से वो प्रॉपर्टी यूज होगा साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वस टू वन वाला बस उसको अरेंज करना है आपको कैसे अरेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो गया पाई और यहां आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स और उसका होल स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर में भी है और एक्स में भी है तो दोनों का कंबाइनली स्क्वायर लिख दिए और आपको पता है कि अगर लिमिट टेंस टू जीरो है और ये साइन एक्स अपॉन एक्स इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू जैसे यहां पर वन हुआ था वैसे ही वहां पे भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहां पर फाइनली ये आ जाएगा लिमिट अब एक्स तो बचा नहीं तो ये हो जाएगा पाई और ये वाला हो जाएगा वन का स्क्वायर चूंकि एक्स तो नहीं बचा है वन का स्क्वायर वन यानी फाइनली क्या आ गया पाई दिस इज अवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी चले इस पूरे सम को देखिए और अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ओके डाल दीजिएगा नहीं समझ में आया हो तो ये स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव पांच स्टेप में ये बना है जो भी स्टेप नहीं समझ में आया वो स्टेप नंबर कमेंट सेक्शन में डालिएगा मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि क्या नहीं आया है चलो जल्दी से देखो तो फास्ट एवरीबडी जल्दी देखिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड समझ में आया हो तो ओके कीजिए सारे लोग मौन राहुल अक्षय प्रशांत सब लोग जल्दी देखिए और बताइए जो दिल से रिप्लाई करे सारे लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन इवेलुएट इवैलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऑप्शन हैं वन माइनस वन थ्री बाय टू और नन ऑफ दीज चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन क्या होगा बनेगा ये क्वेश्चन येस और नो रिप्लाई करें फास्ट बनता है तो जल्दी से रिप्लाई करें फास्ट एवरीबॉडी क्या एक्सप्लेन कर दो इसे जल्दी बताएं चलो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनेगा सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है कहता है इवेल्यू यस यस देखिए ध्यान दीजिए यहां पे दो थ्योरी यूज होगी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं अगर बना पाओ तो देखना बनाने की कोशिश करना पहला थ्योरी क्या यूज होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है और दूसरा थ्योरी क्या यूज होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यूज होता है वन बाई टू होता है तो यह दो प्रॉपर्टी यूज करना है तो ट्राई कीजिए एक बार दोनों थ्योरी बता दिया मैंने अब तो उम्मीद है कि बन जाएगा बनाइए सब लोग और अगर उसके बाद भी नहीं बने तो एक्सप्लेन लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है तुरंत मैं एक्सप्लेन लिखोगे मैं एक्सप्लेन करूंगा मॉन्टूफास्ट बताइए प्रशांत जी बन जाएगा अक्षय बताओ जल्दी से चलिए एक्सप्लेन ओके देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या करेंगे अब ये क्वेश्चन कैसे यूज होगा जरा उस पर ध्यान दीजिए है क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमको ई टू दावर समथिंग के साथ माइनस वन चाहिए और x जो है इसके साथ क्या चाहिए प्लस वन चाहिए तो हम खुद से माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं क्योंकि माइनस वन और प्लस वन करेंगे अल्टीमेट कट कर क्या आएगा जीरो तो आप यहां पे क्या कर लो यहीं पर एक माइनस वन कर लो और एक प्लस वन कर लो ये काम कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में आप खुद से कोई नंबर प्लस और जितना प्लस किए उतना ही माइनस कर सकते हैं यही किसी व्यक्ति को आप दस रुपए दे रहे हो उसे दस रुपए ले लिए तो कोई फर्क पड़ा क्या कोई तो ये नहीं कहेगा कि उसे दस रुपए क्यों दिए क्योंकि देखकर फिर ले भी लिए तो यही काम हम मैथ्स में कर रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट को हमको वहां तक पहुंचाना है अब फ्रेमिंग का काम करेंगे फ्रेमिंग मतलब अरेंज करने का काम करेंगे अरेंज कैसे हो जाएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा और यहां पर देखिए e टू पावर x स्क्वायर माइनस वन कर देंगे चूंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट में वही है और प्लस वन माइनस कॉस एक्स कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे अब देखो तो जो चीज हमारा ई टू पावर एक्स माइनस वन तो ई टू पावर एक्स माइनस वन और यहां पर वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर तो वहां भी वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आ गया ये चीज जो चीज चाहिए था हमें अब क्या करेंगे ये एक साथ है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक साथ है तो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट जो कि आपके सिलेबस में भी है आप देखोगे आपके एनालिसिस के सिलेबस में एलजेब्रा ऑफ लिमिट पर फोकस किया है तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट है तो उसको दो अलग अलग लिमिट में करना यानी कि अगर फाइव है तो उसको थ्री प्लस टू कर दो और अगर थ्री प्लस टू है तो उसको फाइव कर दो यही काम करना है एलजेब्रा ऑफ लिमिट में मतलब प्लस माइनस का काम का। अब वही काम यहां करेंगे देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग कर दिया और चूंकि लिमिट दोनों में है तो इसको एक ब्रैकेट में भी रखना जरूरी है चूंकि लिमिट दोनों में लगा है ऐसा नहीं कि एक में लिमिट नहीं लगा है केवल एक में लिमिट है बाकी प्लस अलग है अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को बाइफर्केट करेंगे अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू तो जीरो और यहां क्या हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पहला तो ये चीज और प्लस फिर इसमें भी लिमिट ला देंगे लिमिट x टेंस टू तो जीरो और वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अब जरा देखो तो ये भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट है जो वहां पे मैंने बताया है अब बोलोगे सर इसमें तो एक्स होना चाहिए था नीचे एक्स स्क्वायर है तो जरा चीजों को ध्यान से समझो कि जो भी यहां पावर में रहेगा वही चीज यहाँ डिनोमिनेटर में चाहिए यानी ई टू दी पावर डब्बा अगर है तो नीचे भी हमको क्या चाहिए डब्बा तो ये चीज हमने किया और लिमिट एक्सचेंज टू जीरो किया तो ये आपका काम हो गया इसमें कहीं कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए इसके बाद क्या करेंगे अब बस वैल्यू रखना है वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए ये वाले चीज का वैल्यू होता है ये वाले पूरे चीज का वैल्यू होता है वन और इन इनटू नहीं है प्लस है तो यानी प्लस और ये वाले पूरे चीज का वैल्यू होता है वन बाय टू तो वन प्लस वन बाई टू कितना आ जाएगा थ्री बाई टू एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑप्शन कहां पर है तो सी में थ्री बाई टू देखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं वेरी गुड प्रशांत सब लोग बताएंगे कमॉन जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं और अगर नहीं समझ में आया तो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप स्टेप फोर ये चार स्टेप में है चारों स्टेप में अगर कहीं डाउट है तो स्टेप नंबर बताइए मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो ओके okay जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फास्ट जल्दी बताइए क्लियर है सबको समझ में आया जल्दी ओके कीजिए सारे लोग चलिए समझ में आया कि नहीं कमॉन अक्षय प्रशांत राहुल राज जल्दी बताइए आप लोग ओके okay. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन बार बार कहता हूं कि जल्दी रिप्लाई करो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्या कहता है फॉलोइंग लिमिट द फॉलोइंग लिमिट ये कुल मिलाकर आज लिमिट का आठवां क्लास है जी तो आज आखिरी क्लास भी है आपका लिमिट का कल से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे यहां क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऑप्शन हैं वन माइनस वन वन बाई टू और माइनस वन बाई टू कैसे बनाओगे बताइए तो सब लोग इवेलुएट करना है लिमिट को ई टू दावर माइनस ई टू दावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या एक्सप्लेन करें या बनेगा जल्दी से बताएं तो सारे लोग एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या बन जाएगा इसको दो तरीके से बनाते हैं एक तो एक्सपेंशन का यूज करके क्योंकि टेलर सीरीज और मेकलोरिन सीरीज में जो हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन का यूज करके बना सकते हैं और या तो फिर आप बेसिक तरीका जो आपका है उससे बना सकते हैं मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको क्योंकि यहां सीखने आए हो दोनों मेथड सीख कर जाओ एग्जामिनेशन में जो आपको आ गया क्लिक कर गया उस मेथड से आप बना देना क्या एक्सप्लेन करें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सारे लोग यस yes, ओके okay. चले देखिए सबसे पहले सीरीज ऑफ एक्सपेंशन का यूज करके बताते हैं इसको कैसे बनेगा यानी मेथड वन देखते हैं हम यहां पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है मेथड वन यानी सीरीज ऑफ एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं सबसे पहले अगर e e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाता है ये ई टू दी पावर एक्स का होता है बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये एक्सपेंशन कहां तक यूज करना है ये कैसे पता चलेगा तो ये आपको पता चलेगा डिनोमिनेटर में जितना हाइएस्ट डिग्री रहेगा डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर तो यहां भी आपको कहां तक जाना है एक्स स्क्वायर तक हालांकि क्यों जाना है वो भी मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये चीज है तो हम क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स का एक्सपेंशन रख दीजिए तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 या एक और ही लिख लीजिए ना एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट 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 जाएंगे और यहां पर माइनस वन माइनस एक्स ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है यहां तक समझ में आया हर एक स्टेप देखते चलना अगर ये कॉम्प्लेक्स लगे तो दूसरा तरीका भी है लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है ये चीज इसलिए मैं ये तरीका भी एक्सपेंशन सीरीज भी बता दे रहा हूं ठीक है ना अब यहां पे ध्यान दो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो वन प्लस एक्स फैक्टोरियल अपॉन टू हो जाएगा plus x upon क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स हो जाएगा प्लस एक्स फोर अपॉन क्या हो जाएगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर हो जाएगा फोर थ्री या ट्वेल्व और ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर प्लस डॉट 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 और फिर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ये चीज देख लीजिए सब लोग हर एक स्टेप को बड़ी बारीकी से देखते चलिएगा अब इससे फायदा क्या होगा कि ये आपका प्लस वन और माइनस वन कैंसिल प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल बचा क्या वो चीज देख लेते हैं तो बचा हमारा लिमिट x tends to 0 x square upon 2 plus x q upon 6 plus x to the power 4 upon 24 plus dot 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 denominator mein x square अब ये देखकर अगर जो मेरा शुरू से क्लास किया होगा लिमिट का ये मैं आठवा क्लास ले रहा हूं जो मेरा क्लास वन लिमिट का क्लास वन से ये कर रहे होंगे वो आसानी से ये देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना है अब तो अब मुझे क्या करना है वो चीज ध्यान दीजिए कि इसमें बस आपको वैल्यू देखकर लिख देना है आंसर ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है और जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आता है तो हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है तो ऊपर में क्या है तो ऊपर में देखो तो टू थ्री फोर मतलब हाईएस्ट डिग्री चलता जा रहा है एक्स टू तो दी पावर एं तक एंड डिग्री पॉलिनोमियल है लेकिन ये कह रहा है कि लिमिट का वैल्यू कुछ आएगा और वो अगर लिमिट का वैल्यू कुछ आएगा फॉर दिस इसमें नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहां भी एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म होगा बाकी टर्म नहीं होंगे मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो बाकी जितने टर्म आगे आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे जीरो चूंकि इसको वैल्यू फाइनाइट है इसको आंसर आना है ये नहीं बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट कहीं है ऑप्शन में देखो तो डज नॉट एग्जिस्ट अगर रहता डज डज नॉट नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो हम does not exist लिखते हैं लेकिन यह आंसर आ रहा है और आंसर तभी आएगा जब ऊपर भी आपका सेम डिग्री ऑफ पॉलिमियल और नीचे भी आपका सेम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखो एक्स स्क्वायर और यहां भी अब इसका कोफिशियंट क्या है तो वन बाई टू है और इसका कोफिशियंट क्या है वन है तो आंसर क्या आ जाएगा वन बाई टू दिस इज आवर फाइनल आंसर कैंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन बाई टू देख लीजिए तो बताइए क्लियर है कहीं कोई डाउट किसी को मेथड वन था अगर आप बोलोगे मेथड टू कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं मेथड टू भी बताऊंगा लेकिन पहले मेथड वन समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज इसका थ्योरी हो जाता है तो इस पर भी ध्यान देना है आपको कि ए, अब e e अब टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है ये तो पता होना चाहिए आपको तो इसको यूज किया है मैंने और इसको बनाया है वन बाय टू मेथड टू जो बताऊंगा उससे भी आपका आएगा वन बाई टू तो वो भी मैं बताऊंगा लेकिन पहले क्या आपको मेथड वन समझ में आया सब लोग एक बार ओके कर दीजिए और अगर समझ में आया और मेथड टू भी जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में मेथड टू लिखिए मेथड टू बताएं चलिए मेथड टू देखते हैं उसको यहीं पे बता देते हैं इसको हम लोग पहले यहां पे ये वाला हटा देते हैं और यहां क्या कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं वन अपॉइंट टू और ये करके यहां लिख दे रहे हैं कि ये आंसर हो गया ठीक अब यहां पर देखो दिस इज द मेथड टू दोनों एक जगह रहेगा तो लिखने का टाइम नहीं जाएगा क्वेश्चन वापस से अब मेथड टू में क्या करना है कि सबसे पहले ये जो जीरो है इसको हमको सब्सटूट करना है तो सब्सटूट करेंगे तो देखो तो क्या आ जाएगा लिमिट x tends to zero. Option क्या है? e to the power x minus one upon x upon x square. ये आ जा रहा है zero upon zero form. देखो zero रखो तो e to the power zero one one minus one zero. और फिर zero तो ऊपर zero आ गया, नीचे भी zero आ गया. Zero upon zero form. और जब भी जीरो upon जीरो फॉर्म आता है तो हम लॉपिटल रूल लगाते हैं कौन सा लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं तो लॉपिटल रूल क्या कहता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो न्यूमरेटर को भी डिफरेंसिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंसिएट कर दो रिस्पेक्ट टू दोनों को और उसके बाद वैल्यू रख दो तो यहां पे हम लोग वही काम करने जा रहे हैं ई टू पावर x का क्या हो जाएगा e टू पावर एक्स ठीक है माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन नीचे क्या हो जाएगा टू एक्स ये आ गया अब एक बार डिफरेंसिएशन करने के बाद आप फिर से लिमिट का वैल्यू रखो अगर लिमिट का वैल्यू रखने से आ जा रहा है तो तो ठीक है नहीं आ रहा है तो फिर से करेंगे तो अब रखते हैं लिमिट का वैल्यू तो लिमिट का वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है देखो e टू दी पावर जीरो क्या हो गया वन वन माइनस वन ऊपर क्या आ गया जीरो और नीचे भी क्या आ रहा है जीरो तो फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहां लिखेंगे क्या अगेन लॉपिटल अगेन लॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो खत्म हो गया और माइनस वन का फिर क्या हो जाएगा अपॉन जीरोगा टू ये आ गया अब फिर से हम लिमिट का वैल्यू रखेंगे लिमिट का वैल्यू रखे तो क्या आ गया ई टू पावर जीरो का वैल्यू वन और नीचे क्या है टू तो देखो तो वापस से हमारा वन अपॉइन टू आ गया जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था सी था तो बताओ मेथड टू क्लियर समझ में आया कि नहीं मेथड वन और मेथड टू दोनों मैंने बताया इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सब लोग और अगर नहीं डाउट है तो ओके okay लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फास्ट जल्दी बताइए क्लियर है यहाँ तक कहीं कोई डाउट कौन अक्षय अच्छा प्रशांत जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं तो कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी हम लोग आगे चलते चलेंगे देखो इजी है नो no डाउट लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे हाँ प्रशांत इजी है लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे हाँ मेथड टू सब में लगा सकते हैं यस yes. लेकिन हाँ याद रखिएगा जहां जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगा वहीं पर या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा वहीं पर जीरो अपॉन जीरो आ रहा है सब जगह लगा सकते हैं नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है चलो एक क्वेश्चन दें क्वेश्चन दिया जाए एक और चलिए वह आते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा उसको देखा जाए क्वेश्चन है इवेलुएट दॉलोइंग लिमिट ठीक है इसमें क्या है क्वेश्चन लिमिट अच्छा ये तो क्वेश्चन ही ना है जी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो x minus साइन x upon x क्यू options हैं 1 by टू वन by फोर वन by सिक्स और 1 by एट इसके लिए थ्योरी बता देता हूं मैं कि जैसे e टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने क्या लिखा था वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 उसी तरह से साइन एक्स का क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस इस तरह से डॉट 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 चलो ये दोनों तरीका आपको बना सकते हो इस क्वेश्चन में भी मुझे आंसर से मतलब है बनाइए और आंसर बताइए क्या आएगा ध्यान रहे एक्सपेंशन का यूज भी करो क्योंकि एक्सपेंशन से पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है तो एक्सपेंशन का यूज करोगे आपको याद रहेगा ध्यान में रहेगा चीजें चलो इसका आंसर बताओ तो क्या आ जाएगा यहां ध्यान रहे एक्स क्यूब है नीचे में बनता है वेल एंड गुड नहीं बनता है लिखना है कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन सर क्या बताया जाए इस क्वेश्चन को मान प्रशांत अक्षय राहुल राज जल्दी बताइए देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं तो दोनों मेथड यूज करके मैं बता दूंगा आपको मेथड वन क्या कहता है ध्यान दीजिए कि हम एक्सपेंशन का यूज कर लेंगे एक्सपेंशन आपका साइन एक्स का क्या होता है वो पता है नीचे एक्स क्यू है तो यहाँ पे वही करो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा तो लिख लो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव हालांकि मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतना ही तक आपको जाना है क्यों जाना है वो भी मैं बता चुका था क्योंकि बाकी का टर्म आपको पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है और डिफिनेट होना है वैल्यू आना है नॉट डिफाइन होना नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उतना तक ही लेना होगा अब क्या करेंगे ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस एक्स टू पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स क्यू इससे फायदा क्या हुआ कि ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया ठीक है जब ये कैंसिल हो गया तो यहां आएगा क्या वो देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस एक्स टू दावर फाइव अपॉन एक्स फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब ये चीज अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो तो हम क्या करते हैं डिग्री मैच करते हैं और चूंकि यहां पर इवेल्युएट करने कह रहा है मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा ही तो यहां जो इसका डिग्री है वही इसका यहां डिग्री होगा तो यहां भी थ्री है तो यहां भी थ्री होगा यहां क्या है इसका कोफिशियंट वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और यहां क्या है वन तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा इसके सारे आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा देख लो इसको एक बार और लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अपॉन फैक्टोरियल थ्री का मतलब सिक्स अपॉन एक्स क्यू यह लिख दिया अब ऐसे भी आपको पता है कि ये दोनों आ गया एक्स क्यू एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा क्या आपका हो जाएगा वन अपॉन सिक्स देखो आंसर है कि नहीं एक्सक्यूज मी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट अब मुझे बताओ क्या मेथड टू बताने की जरूरत है इसमें क्योंकि उससे भी वही आंसर आएगा वन अपॉइंट सिक्स बताया जाए मेथड टू या क्लियर है यहां तक चलिए मेथड टू भी देख ही लीजिए मेथड टू के लिए क्या करेंगे यहां पर आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे जीरो माइनस साइन जीरो का वैल्यू जीरो न्यूमरेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में भी जीरो जब जीरो अपॉन जीरो आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लॉपिटल रूल यूज ल, कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर फिर एक बार लॉपिटल लगाएंगे क्योंकि अभी भी क्या आ रहा है जीरो अपॉन जीरो आ रहा है तो फिर लॉपिटल लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस और जीरोक्स का माइनस साइनस होता है तो यहां पर हो जाएगा अपॉन तो ये भी क्या आ रहा है अभी भी जीरो अपॉन जीरो आ रहा है जब तक जीरो अपॉन जीरो आए एक एक बार डिफ्रेंसिएशन आगे आपको करते रहना है अब क्या करेंगे फिर यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये वन का क्या हो जाएगा या यह यहीं पे कर लो ना इसको हटाओ लिमिट x टेंस टू जीरो वन का जीरो और साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन सिक्स अब ये देखो एक्स का वैल्यू रखोगे तो कॉस जीरो का वैल्यू ये आ जाएगा कॉस जीरो अपॉन सिक्स यानी वन अपॉन सिक्स आंसर क्या आ गया वन अपॉन सिक्स देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए तो दोनों मेथड से मेथड वन और मेथड टू से दोनों से वन अपॉइंट सिक्स आ चुका है तो इसी के साथ हमारा लिमिट का क्लास कंप्लीट हुआ अगले क्लास में मैं आप लोगों को कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।